हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स को लेकर। दोस्तों, हाल ही में आपको पता है ये फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं और कुछ यूज़र्स को मिलना भी शुरू हो चुका है। आईफोन प्रो और प्रो मैक्स में अगर बात करें तो इसमें नया 48 मेगापिक्सल का कैमरा आया है, साथ ही A16 बायोनिक चिपसेट इसमें देखने को मिला है और आपको एक लेटेस्ट चीज़ इसमें डायनामिक आइलैंड भी देखने को मिलता है। ये सारे अपडेट के साथ ये फ़ोन आया है, लेकिन जैसे ही ये लोगों को मिलना शुरू हुआ, इस फ़ोन के कैमरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग गई है। बहुत से यूज़र्स ने ट्विटर पे या टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे इसकी जानकारी दी है और वो वीडियो बना के या ट्वीट करके बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। बात करिए प्रॉब्लम्स की, तो यूज़र को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है जब भी वो आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स से कोई भी वीडियो बनाते हैं, खासकर थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर स्नैपचैट। इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज़ करके कैमरा को यूज़ करते हैं, कैमरा से कोई भी वीडियो लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनका कैमरा काफ़ी शेक होता है और स्टेबल नहीं होता, काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। लेकिन इस कंप्लेंट के साथ ही यूज़र्स ने यह भी बताया है कि फ़ोन के जो इनबिल्ट कैमरा ऐप है उसके साथ इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ऐसा अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसा कि आपको बता रहे हैं कि ऐप के साथ, कैमरा ऐप के साथ, इनबिल्ट ऐप के साथ इस तरह के कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, खासकर ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और ऐसा भी हो सकता है कि आईफोन में जो चेंजेस हुए हैं कैमरा को लेकर, इन सभी चेंजेस को सपोर्ट करने के लिए ये थर्ड पार्टी ऐप्स अभी तक रेडी नहीं थे, तो हो सकता है इन थर्ड पार्टी ऐप्स को अपने लिए कुछ अपडेट लाने पड़े ताकि वो आईफोन 14 के जो कैमरे में चेंजेस हुए हैं उनके साथ वो मर्ज कर सके और अच्छे से चल सके। अभी तो इस पर बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है इंटरनेट पे, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिन यूज़र्स को मिलना शुरू हुआ है। पहले एक ने कंप्लेन किया, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन किया और सबके साथ सेम प्रॉब्लम है, कैमरे के हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है या फिर कहें कि कैमरे के इनबिल्ट ऐप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करके कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो एप्पल की तरफ से अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है और ऐसा लगता भी नहीं है कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके इनबिल्ट ऐप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हो सकता है इन थर्ड पार्टी ऐप्स को अपनी तरफ से कुछ काम करना पड़े, मशक्कत करनी पड़े इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, कुछ भी सॉल्व होता है या कुछ भी अपडेट आता है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा क्योंकि अगर आपने भी आईफोन 14 बुक किया है, आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स को बुक किया है और आप लेना चाह रहे हैं, आने वाला है आपके लिए पास, तो हो सकता है आपके साथ भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को मिले। तो पहले से आपको मेंटली तौर पर इसे इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए और को घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है अभी फर्स्ट नज़र में, लेकिन आगे देखेंगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अपडेट पसंद आए, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।